नमस्कार, मैं रविश कुमार। रेल में आवश्यक रूप से यात्रा करने वालों का योगदान अब काफी बड़ा हो जाएगा। अब उन्हें उन लोगों के किराए का भी बोझ उठाना होगा जो अनावश्यक रूप से यात्रा करते हैं। किराया तो पहले भी बढ़ते रहा है, लेकिन बढ़ाने की यह दलील थोड़ी नई लगती है। 23 फरवरी को रेलवे ने अपने प्रेस नोट में यही लिखा है। रेलवे ने आवश्यक और अनावश्यक यात्रियों की पहचान किस आधार पर की है, इसकी जानकारी प्रेस नोट से नहीं मिलती है। रेलवे की इस दलील से हर वो यात्री आवश्यक कारणों से सफर कर रहा है, अब उस यात्री के किराए का आंशिक भार उठाएगा जो अनावश्यक कारणों से सफर करता था। मतलब हर आवश्यक एक अनावश्यक का भार उठाएगा। प्रेस नोट में आगे कोविड लिखा है। कोविड के कारण अगर यात्रियों की संख्या कम करनी है तो फिर उसके लिए हर कोच में संख्या सीमित की जा सकती थी। पहले भी की गई थी, लेकिन किराया बढ़ाने का यह तुक समझ नहीं आया। प्रेस नोट में रेलवे ने यह नहीं बताया कि कितना किराया बढ़ा है, लेकिन आप प्रेस नोट देखिए, इससे पता चलेगा कि प्रेस नोट कितना बदल गया है। रेल मंत्रालय का है या स्वास्थ्य मंत्रालय का है, उसमें कोविड और कुछ राज्यों में कोविड की खराब हालत पर भी जिक्र मिलेगा। लगेगा कि सीधा जवाब ना होने पर हर तरह की बातें डालकर जवाब तैयार किया जा रहा है। प्रेस नोट लिखने वाले की दाद देनी होगी। रेलवे जिसे आंशिक वृद्धि बता रहा है, परिमल कुमार बता रहे हैं कि 3 गुना वृद्धि की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले खबर आई कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेनें हैं, कम दूरी वाली ट्रेनें, उसके किराए में बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है ये जानकारी नहीं दी गई। सब कुछ ट्वीट के जरिए होता है, ट्विटर पे सारी जानकारी आती है, ग्रुप पे जानकारी आती है, कोई आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कहता। आधिकारिक तौर पे कहेगा तो हम जैसे रिपोर्टर ये भी सवाल करेंगे कि आखिर किराए में कितनी वृद्धि हुई है, वो भी बता दीजिए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि किराए में 3 गुना तक की वृद्धि की गई है, और उन लोगों से ये वसूला जा रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ाना नौकरी पर आते हैं, जो कार या गाड़ी अपने अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए साधन के तौर पर लोकल ट्रेनें। अब किराए तालिका पर नज़र डालते हैं, कुछ जगहों के आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे किराए के जरिए जो है वसूली हो रही है। गाज़ियाबाद शकुरबस्ती वाया दिल्ली किशनगंज, किराया पहले 10 रुपये था, अब 30 रुपये है। गाज़ियाबाद शकुरबस्ती वाया निज़ामुद्दीन, किराया 20 रुपये था पहले, अब वो बढ़कर दुगुना कर दिया गया, यानी 40 रुपये हो गया। पलवल गाज़ियाबाद 25 रुपये से बढ़ के 45 रुपये। दिल्ली बरेली वाया मुरादाबाद 55 रुपये से बढ़ के 95 रुपये। उसके बाद दिल्ली कुरुक्षेत्र वाया सब्जी मंडी 35 रुपये से बढ़ के 70 रुपये। दिल्ली सहारनपुर वाया शामली 40 रुपये से बढ़ के 70 रुपये। ये आंकड़े आपको स्पष्ट कर देंगे कि आखिर किस तरीके की बढ़ोतरी हुई है। अगर गुपचुप तरीके से ये नहीं किया गया तो इसकी जानकारी भी हम तक ज़रूर आनी चाहिए थी, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। ये जो लंबे समय से रेलवे कवर करने का परिणाम है कि ये आंकड़ा तालिका, ये किराया तालिका आपके सामने आ पाया है, ताकि स्पष्ट हो पाए कि किस तरीके से लूट खसोट मची हुई है, और उन लोगों से आप ले रहे हैं जो मजबूर हैं, तो आप मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, रेलवे मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। क्योंकि ट्रेनें अगर नहीं चलनी थी तो उस दौर में नहीं भी चली, लेकिन जब ट्रेनें चल रही हैं, वो लोकल ट्रेनें ही हैं, कोच लोकल ट्रेनों की, उसकी जगह पे मेल एक्सप्रेस वो का किराया, ये कहाँ तक आपको लग रहा है कि मुनासिब है? 10 से 30 रुपये होना आंशिक, यह तब कहा जा सकता था जब इस तबके की कमाई 10 से 40 रुपये हो जाती, वो तो हो नहीं रही। महंगाई की यह दलील वाकई नायाब है। इस दलील से पेट्रोल अब भी 200 रुपये लीटर बिक सकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में रिश्तेदार आराम से समझा देंगे कि इससे लोग फालतू चलना बंद कर देंगे और तेल की खपत भी कम होगी, देश का विकास होगा। मनीष कुमार ने पटना रेलवे स्टेशन पर कुछ रेल यात्रियों से बात की है। अब इनमें से कौन आवश्यक यात्री हैं और कौन अनावश्यक, इसका भेद कर पाना हमारे लिए अनावश्यक प्रतीत होता है। सुविधा नहीं है और असुविधा हो रही है। टिकट का सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तुरंत टिकट नहीं मिलता है, और एक दिन दो दिन पहले आपको टिकट मोकामा से पटना या बाहर से पटना भी आना हो तो सिर्फ पैसेंजर से सफ़र कर सकते हैं। एक्सप्रेस के लिए आपको दो दिन पहले आप प्लान बनाइए तब पटना आइएगा। ट्रैवल किए थे कल ही कैपिटल में, बाहर से यहाँ पटना के लिए, तो उसमें जो मुझे सीट मिली था, मैं टिकट में जो बर्थ नंबर था उसमें बर्थ नंबर था ही नहीं अवेलेबल। ट्रेन में जाने के बाद पता चला कि वो बर्थ है ही नहीं वहाँ पे, 79 बर्थ जो मुझे मिला था उसमें वो अवेलेबल नहीं था। स्पेशल कुछ भी नहीं है, स्पेशल के नाम सिर्फ लूटा जा रहा है, भाड़ा जस्ट डबल कर दिया गया है और कुछ स्पेशल नहीं है।
आदमी अपना लोकल डिस्टेंस बनाकर चल रहा है। एक इसी तरह पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसे लेकर एक नया लॉजिक आया है। प्रधानमंत्री ने हाल में कहा कि पिछली सरकारों के आयात पर निर्भर होने की नीति के कारण दाम बढ़ रहे हैं। जब यह बता दिया गया कि उनकी सरकार के दौरान आयात बढ़े हैं और उत्पादन कम हुआ है, तो लगता है इसकी जगह नया लॉजिक लॉन्च किया गया है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सर्दी में दाम बढ़ते हैं, सर्दी के जाते ही दाम कम हो जाएंगे। ये कुछ वैसा ही लॉजिक लगा जैसे पिछले साल मार्च अप्रैल के महीने में कहा गया था कि गर्मी के आने से कोविड चला जाएगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। वैसे सर्दी भी जा चुकी है और इस वक्त मौसम में बसंत चल रहा है। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े के दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। अनावश्यक यात्रियों को रोकने के लिए आवश्यक यात्रियों से किराया लेने की तरह, पेट्रोलियम मंत्री यह भी कहते हैं कि मुनाफा कमाने के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देश दाम बढ़ा रहे हैं। इसी बात पर लोग समझना चाहते हैं कि 2008 में जब कच्चे तेल की कीमत $147 प्रति बैरल थी, तब पेट्रोल ₹50 लीटर था। आज जब कच्चे तेल की कीमत $62 प्रति डॉलर है, तो पेट्रोल ₹100 लीटर क्यों है? आपको यकीन ना हो तो व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में इसे डालकर पूछिए। रिश्तेदार तुरंत कहेंगे कि मंत्री जी सही कह रहे हैं। सत्य वो नहीं जो सत्य है, सत्य वो है जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदार मनवाते हैं। मेरा कहना है कि सरकार जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया डीजल के ऊपर, पिछले सारे साल से साल में 820% बढ़ा दिया, पेट्रोल के ऊपर 298% बढ़ा दिया पिछले सारे 6 साल में, तो ये सारे ये जो इतना कर बढ़ा दिया, ये असली कारण है जिसके लिए आज हमारे देश के आम उपभोक्ता रसोई गैस पेट्रोल डीजल का पैसा ज्यादा था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कभी कभी ऊपर जाता है, उस समय वही कारण आप दिखा रहे हैं क्योंकि यहां हमारे देश के लोग को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब ये नहीं बताते कि जब कम हो जाता है हम यहां लोगों को फायदा नहीं देते। क्या वाकई ऐसा है कि जनता में महंगाई के मुद्दे को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है? ऐसा होता तो फिर सरकार की तरफ से इस तरह की दलीलें क्यों आती कि सर्दी खत्म होते ही तेल के दाम कम हो जाएंगे? यह सवाल इसलिए है क्योंकि महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार की तरह विपक्ष भी परेशान दिख रहा है। विपक्ष के नेता महंगाई को लेकर विरोध जताने के लिए तरह तरह से जतन कर रहे हैं। कोई ऑटो में चलने लग जाता है तो कोई साइकिल से विधानसभा जाने लगता है। क्या विपक्ष को भी लगने लगा है कि वह जनता विहीन हो चुका है? जैसे जनता को लगता है कि राजनीति विपक्ष विहीन हो चुकी है। दो तरफा धारणा की इस लड़ाई में विपक्षी नेताओं की मुश्किलें समझी जा सकती हैं। यह विपक्ष की हार की हताशा है या यही सरकार के अति आत्मविश्वास का कारण? एक गांव में भैंस चोरी हो गई तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो घंटी वो निकाला, और चोर 3-4 लोग थे महोदय, घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा, और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं, इससे गांव वाले को क्या मिला, हाथ में घंटा, भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय? सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय? हिंदू मुसलमान। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज जीएसटी की समीक्षा की मांग करते हुए भारत बंद का ऐलान किया। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ यह बंद रात के 8 बजे तक रहा। दिल्ली के बाजारों पर इस बंद का असर नहीं दिखा। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी के प्रावधान बहुत जटिल हैं, कठोर हैं और पीछे ले जाने वाले हैं।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी के विरोध तथा ई वे बिल कानूनों को खत्म करने को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी भारत बंद का समर्थन किया। किसान संगठनों ने भी इसे नैतिक समर्थन दिया। भारत बंद का असर कहीं ज्यादा कहीं कम रहा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की अगुवाई में कई जगहों पर व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कारोबारियों की नाराजगी की वजह एक दो नहीं है। कैट के मुताबिक जीएसटी में 1000 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जिसके वजह से जीएसटी का टैक्स सिस्टम सरल नहीं रह गया है। जीएसटी भरने में अगर व्यापारी गलती करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। एक ही सामान पर राज्यों में अलग अलग टैक्स हैं। ऑनलाइन व्यापार में बाहरी पैसा लगा होने से सामान सस्ता है, जबकि इससे खुदरा व्यापारी तबाह हो रहा है। हम वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं कि पूरे देश में कर की दमान एक समान होगी। अगर जहां पर ज्यादा जहां पर टैक्स रेट कम है यदि किसी वस्तु पर, तो सारा का सारा माल उस राज्य से परचेज होगा, तो बाकी राज्यों की जो अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी। बच्चों की साइकिल का कारोबार करने वाले राजीव बत्रा ने पहले जीएसटी का समर्थन किया था, लेकिन अब विरोध के लिए सड़कों पर हैं। वो कहते हैं साइकिल बनाकर बेचने के दौरान उनको 5% से लेकर 18% तक का टैक्स भरना पड़ता है। छोटी सी गलती पर बड़े जुर्माने भी किए जाते हैं। हमसे गलती कोई हो जाए, उसके बाद हमारे लिए माफी नहीं है भाई साहब। हमारे लिए सीधा जुर्माना, और वो भी हम देखिए ये लोग इतनी पावर दे दी गई है एग्जीक्यूटिव को कि हमारे को अरेस्ट कर सकते हैं, हमारी प्रॉपर्टी सील कर सकते हैं, हमारे बैंक अकाउंट्स को सील कर सकते हैं। बंद के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी माल ढुलाई बंद रखी। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि जीएसटी में संशोधन करके ई बिल की वैधता को आधा कर दिया गया है, यानी इसे 200 किलोमीटर से घटाकर 100 किलोमीटर कर दिया गया है। कंसाइनमेंट के पास अगर एक्सपायर्ड बिल है तो जुर्माना 200% तक वसूला जाएगा। साथ ही बीते एक साल में डीजल के दामों में 17 रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि ट्रांसपोर्ट यूनियन के बीच भारत बंद को लेकर मतभेद भी रहे हैं। चक्का जाम सिर्फ कागजों में है, जमीनी स्तर पर नहीं है। मुद्दे ठीक है, डीजल की बढ़ती हुई कीमतें एक चिंता का विषय है, लेकिन हम अपना आंदोलन खुद लड़ेंगे। देश भर में हुए भारत बंद का समर्थन व्यापारी और ट्रांसपोर्टरों के अलावा किसान नेताओं ने भी किया, लेकिन कोरोना काल में पहले से ही व्यापार डाउन है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें व्यापारियों को और ज्यादा परेशान कर रही हैं। दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रविशरण शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। अब आते हैं किसान आंदोलन पर। मजदूर अधिकार संगठन के अध्यक्ष शिव कुमार के बारे में चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके शरीर पर कई तरह की चोटों के निशान हैं, बाएं हाथ और दाहिने पैर की हड्डियां टूटी हुई हैं। ये जख्म 2 हफ्ते पुराने हैं। किसान मजदूर संघ की कार्यकर्ता नवदीप कौर को आज जमानत मिल गई। नवदीप कौर 12 जनवरी से जेल में है। नवदीप कौर को हत्या के एक मामले में जमानत दी गई है, जिसके बारे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 360 को लेकर रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है, यानी सबूत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट थॉट आपके क्या है? वही, जिन लोगों ने आज मेरे लिए रिहाई के लिए अपील की, जिन लोगों ने इतने प्रोटेस्ट किए, जिन लोगों की वजह से बाहर आई, उनको सबका पहले भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने मेरे लिए थोड़ी सी भी आवाज़ उठाई या बहुत तरीके से आवाज़ उठाई, सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज लोगों की वजह से मैं बाहर आई हूँ और आगे भी लोगों के लिए मैं ऐसी लड़ाई लड़ती रहूँ। पहले भी मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं किया था और आगे भी मैं गैर कानूनी काम नहीं करूँगी और ऐसी ही जनता के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं यही बोलना चाहती हूँ। आपके साथ शिव कुमार भी हैं जिनको अक्यूज्ड? हाँ जी, शिव कुमार को तो बहुत बुरे हालात हैं। उस दिन 12 तारीख वाले दिन शिव कुमार वहां पे हाजिर नहीं था। शिव कुमार को फिर भी पकड़ा गया और बुरे तरीके से पीटा गया है, उसकी पूरी हड्डियां तोड़ दी गई हैं और अभी तक उसको हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट किया गया, हालांकि ऑर्डर है। किसान आंदोलन को लगता है कि आंदोलन करने के लिए अब छोड़ दिया गया है, अब बातचीत को लेकर कोई गंभीर कोशिश नजर नहीं आती, औपचारिक बयान दे दिए जाते हैं। यह आंदोलन कब टूटेगा, कब खत्म होगा, इसका इंतजार आज भी गोदी मीडिया के 11 एंकर कर रहे हैं।
लेकिन किसान आंदोलन पूर्वी यूपी और राजस्थान के सुदूर इलाकों में पहुंचने लगा है। आपके बीच में आपके अपने 25 फरवरी को राजस्थान के बालाघाट में बड़ी संख्या में किसान जुटे। राकेश टिकैत को भी उम्मीद नहीं होगी राजस्थान के इस छोर पर कृषि कानूनों को लेकर इतने लोग आ जाएंगे। चौरानवे दिनों के बाद भी इन कानूनों के विरोध को लेकर इतना उत्साह, इसे समझने की जरूरत है। करौली जिला के करीरी गांव की यह भीड़ राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव को सुनने आई थी। करीरी गांव में जुटे लोगों को देखकर कुछ सवाल फिर से खड़े हो जाते हैं। क्या इस भीड़ को अमीर और छोटे किसानों में बांटा जा सकता है? यहाँ आए ज्यादातर किसान छोटी जोत के किसान ही थे। इस जिले में 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीनें हैं। क्या ये किसान वाकई कृषि कानूनों के फायदे को अभी तक नहीं समझ पाए? राकेश टिकैत ने कहा कि गेहूं की कटाई के बाद संसद का घेराव किया जाएगा, किसानों को तरह तरह से बांटने की कोशिश सफल नहीं होने देंगे। टिकैत 26 फरवरी को भी राजस्थान में ही रहे। अपने खेत की मिट्टी अपने साथ लेकर जाना, हो सकता है कि वहां से आपका गांव आपके याद आए। जब मिट्टी आपके साथ में रहेगी तो गांव याद नहीं आएगा आपके। ये जमीन बचानी है, जो नौजवान साथी है हमारे, उनको खेत की मिट्टी से अपने शरीर को टच करना पड़ेगा। आज गंगानगर के पद्मपुर मंडी और घड़साना मंडी में उनकी महापंचायतें हुई। टिकैत ने यहाँ कहा कि आंदोलन पूरा साल चलता रहेगा। यहाँ कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी एक महापंचायत में शामिल हुए थे। इतने कम दिनों के अंतर पर हो रही इस महापंचायत में फिर से भीड़ का आना बता रहा है कि यह आंदोलन किसानों के बीच अपने माध्यमों से पसरता जा रहा है या सक्रिय बना हुआ है। लंबे समय तक किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा के कुछ किसानों का आंदोलन बताया जाता रहा, लेकिन इस महापंचायत में, इन महापंचायतों में आने वाली भीड़ को देखकर आंदोलन काफी ऊर्जावान लगता है, भले ही समाधान कुछ दिखाई ना दे रहा हो। उधर लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस करीब 1600 किसानों को नोटिस भेज चुकी है। इनमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और विकलांग हैं। कमाल खान पश्चिमी यूपी में हो रहे किसान महापंचायतों का विश्लेषण कर रहे हैं। पश्चिम यूपी की महापंचायतों में मंच से बार बार कहा जा रहा है कि 2013 के दंगों के कारण किसान आपस में बट गए थे, उनसे गलती हो गई थी। ये अच्छा तो है मगर आसान नहीं। एक बार हिंदू मुस्लिम नफरत के लॉजिक दिमाग में घुसते हैं तो आसानी से नहीं निकलते। बेशक मंच से नरेश टिकैत से लेकर जयंत चौधरी, अजीत चौधरी इन बातों को खुलकर कह रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाले क्या उन दिनों को याद कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कैसे गोदी मीडिया में प्रोपेगेंडा चला करता था कि किस तरह एक सनक सवार हो गई थी लोगों के सर पर। लोग अपने पड़ोसी पर हमलावर हो रहे थे, उसे लेकर तरह तरह से शक करने लगे थे। इस प्रक्रिया से गुजरे बगैर क्या हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती है? फिर से कोई घटना हो जाए और लोग बदहवास ना हो, इसकी क्या गारंटी है? कमाल खान फिलहाल पश्चिम में बन रही इस एकता के राजनीतिक असर का अंदाजा पेश कर रहे हैं। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से किसान पंचायतों में लगते रहे हैं, लेकिन अब यह मुजफ्फरनगर दंगों के 7 साल बाद सुनाई दिए हैं। पंचायतों में जाटों के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम शामिल हो रहे हैं। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत इससे बहुत खुश हैं। हिंदू मुस्लिम की बात आई थी, इस बात का हम नकार नहीं सकते, बात हुई और उस दौरान में कितना ही फर्क भी आ गया था, एक दूरियां बढ़ गई थी, तो हमें भी महसूस हुआ भाई ये दूरियां किस वजह से बढ़ी, क्या कारण रहा, किस तरह से ये नज़दीक लाई जाए। तो उसमें हमने प्रयास करा, जब से ही प्रयास करा तो एक हवा थी निकल गई थी, वहाँ आई कहीं को निकल गई, तो उसमें कामयाब हो गए हम, ऐसी नहीं कोई बात है सब है। पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अटूट हिस्सा रहे हैं। यहाँ मुस्लिम आबादी काफी है, इनमें मुगल शासन में मुस्लिम बने मुले जाट भी शामिल हैं।
बड़ी तादाद में मुसलमान सहारनपुर में लकड़ी और मुरादाबाद में पीतल उद्योग से जुड़े हैं। ये काफी संपन्न भी हैं, जिनमें भूमि विवाद ज्यादा, सांप्रदायिक विवाद कम रहे हैं। यहाँ इनकी बड़ी आबादी है। मुसलमान यूपी में 19.26% हैं, जबकि पश्चिमी यूपी में 26.21%, रामपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.95%, अमरोहा में 38%, हापुड़ में 37.14% और शामली में 35% हैं। पश्चिमी यूपी में 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में 63 लोग मारे गए, जिनमें 42 मुसलमान थे। करीब 50,000 मुस्लिम बेघर होकर रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंच गए। इसने मुसलमानों और जाटों के बीच बड़ी सांप्रदायिक खाई खोद दी। लेकिन कृषि बिल के खिलाफ किसान पंचायतों में वे फिर साथ आ रहे हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हरनाम सिंह कहते हैं कि 2013 की गलती अब सुधारने का वक्त आ गया है। कुछ विचलित हो गए थे लोग दोनों तरफ से। आज हम सारे लोग मिल बैठ के इस आंदोलन को लड़ रहे हैं और कोई दूरी वूरी नहीं है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम सब एक हैं। सरकार जो बांटने का काम कर रही थी उसमें अब विफल होगी और हर मोर्चे पे विफल होगी। इसमें सफल होने नहीं दिया जाएगा, इस देश को बंटने नहीं दिया जाएगा हिंदू मुसलमान में। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में करीब 5,000 दंगा पीड़ित बसे हैं। यहाँ पहले रिफ्यूजी कैंप था, लेकिन इस जमीन के मालिक ने बेघरों की मदद को उन्हें सस्ता बेच दिया। परचून की है दुकान, यहीं साहिल परचून की दुकान चलाते हैं। दंगों में उनके कुटबा गांव में 8 लोग मारे गए, जिनमें 5 उनके घर वाले थे। एक भाई जिसकी 10 रोज पहले शादी हुई थी मारा गया। लेकिन उन्हें लगता है कि तरक्की के लिए जाट मुस्लिम को साथ आना होगा। मुसलमान है जो बहुत से है, कोई बाहर कपड़ा बेचता है, कोई तकलीफ मजदूरी करता है, कोई कुछ करता है, तो ये किसान लोग एक सब खेती करते हैं, तो इनके साथ भी कुछ हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ जा रहे हैं, कुछ इधर विधर। सहारनपुर के लकड़ी बाजार में 70 साल के जमीर 68 साल से लोहारी का काम करते हैं। खेती के औजार, हल, कुल्हाड़ी, फावड़ा, कुदाल, खुरपी वगैरह बनाते हैं और किसानों को बेचते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में इनके कई अजीज मारे गए। कहते हैं कि मुसलमानों को जाट किसानों का साथ देना चाहिए, यही बेहतर है। इसमें हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहा है तो कहां तक जाएगा, कितना ठीक है? इसमें तो करीब करीब काफी सही है, और जो किसानों ही का साथ लोग बाबू को देना चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों में अफवाहें फैलाई गई। बीजेपी MLA संगीत सोमपे पाकिस्तान के किसी वीडियो को मुजफ्फरनगर का बता के फॉरवर्ड करने का आरोप लगा। बीजेपी नेता हुकुम सिंह पे आरोप लगा कि उन्होंने आर्थिक कारणों और अपराधी के भय से मुजफ्फरनगर से हुए पलायन को मुसलमानों के भय से पलायन प्रचारित किया। मुजफ्फरनगर बना कश्मीर जैसे जुमले उछाले गए। इस ध्रुवीकरण का नतीजा निकला। विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 17 जिलों की 93 सीटों पे 2012 में जो बीजेपी 14 सीट जीती थी, 2017 में 73 सीट जीत गई। किसानों की नाराजगी और आंदोलन में मुसलमानों की शिरकत से बीजेपी के माथे पे बल हैं। मंत्री संजीव बालियान किसानों को समझाने गांव में गए तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। उन्होंने इसे भी मुसलमानों की साजिश बताया है। ये सुनिश्चित साजिश थी पूरी तरह से। लोकदल के एक नेता तो मौजूद थे गांव में, बाकी 5 मिनट के अंदर सब नेता कैसे पहुंचे। मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया, सोरम की मस्जिदों से अनाउंसमेंट कराया गया। घटना के तुरंत बाद सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से तैयार थी। मंदिर से भी साजिश हो सकती है, ये कैसे कोई। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरनाम सिंह ऐसे बयानों को किसानों की एकता तोड़ने की राजनीति कहते हैं। इसके विशेषज्ञ हैं संजीव बालियान कि मस्जिद से साजिश हो रही, मंदिर से भी हो सकती है। किसी ने लिखा है कि तू परचम में नफरत को ही लहराता रहा है, तूने कभी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाली इन किसान पंचायतों ने जाटों और मुसलमानों को साथ आने का एक मौका दिया है। अगर वो साथ आएंगे तो अदावत भी दूर होगी और एक नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट की संभावनाएं भी बनती हैं। चुनाव में इसका क्या असर होगा ये देखना होगा। सहारनपुर में अशोक, मुजफ्फरनगर में दिलशाद और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। सांप्रदायिकता से समीकरण भले टूट जाते हैं,
लेकिन समीकरण बना देने से सांप्रदायिकता खत्म नहीं होती है। कई बार लगता है कि बाहरी कारणों से नफरत भड़काई गई है, लेकिन नफरत पहले भीतर होती है तब बाहर की चिंगारी से आग पकड़ती है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक तरीका इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब इससे लड़ने के नाम पर राजनीतिक दल आसान रास्ता अपनाते हैं। मध्य प्रदेश में गोडसे की पूजा करने वालों को कांग्रेस में लाया गया है। हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया को लेकर भले कांग्रेस में अरुण यादव विरोध कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ ने बाकायदा स्वागत किया है। ऐसा नहीं है कि बाबूलाल चौरसिया किसी दूसरे रास्ते से चुपचाप कांग्रेस में शामिल हो गए और नेताओं को पता नहीं चला। कौन है बाबूलाल चौरसिया? विचारधारा कातिल, विचारधारा है, विचारधारा जो कि जिसने की महात्मा गांधी की हत्या की, वो विचारधारा आज भी जिंदा है, हम उस मामले में संदिग्ध है। नाथूराम गोडसे के पुजारी रहे हिंदू महासभा के पार्षद बाबूलाल चौरसिया की एंट्री को लेकर कांग्रेस में बगावती सुर उठे हैं। कौन है बाबूलाल चौरसिया? पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कौन है बाबूलाल, फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पूछ रहे हैं क्या भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भविष्य में कांग्रेस में प्रवेश करेंगी तो क्या पार्टी उसे स्वीकार करेगी। गांधी की हत्यारे गौडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। कुछ मुखर हैं तो कुछ समझ नहीं पा रहे कि पार्टी का आधिकारिक स्टैंड आखिर इस मामले में क्या होगा। सीनियर लोगों के संज्ञान में है पूरा और मैं मानता हूं कि अरुण यादव जी की अपनी भावनाएं हैं और पूरे मुद्दे पर लीडरशिप संज्ञान में है और सही समय पे आप सबको इस बारे में बताएं। गांधी के नाम पर बीजेपी नेता भी कांग्रेस से पूछ रहे हैं आखिर गोडसे का पुजारी कांग्रेस में कैसे शामिल हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले वो कांग्रेस के तथाकथित नेहरू परिवार के नेता जिन्होंने गांधी शब्द चुराकर इस देश में राजनीति करने की कोशिश की। अब इंदिरा गांधी का गांधी सरनेम से क्या लेना देना था, केवल गांधी के नाम पर वोट ले ले और टोपी पहनकर गांधीवादी अपने आप को प्रकट कर ले, उससे काम नहीं चलेगा। अरुण यादव को तो जवाब दे दे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कुछ दिनों पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि एक बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस नहीं बल्कि आरएसएस चला रही थी। हिंदू महासभा के जिस नेता को पार्टी में शामिल किया गया है और उसके बाद जिस तरह से पार्टी में ही बगावती सुर उठ रहे हैं उससे जानकार इस परिप्रेक्ष्य में भी जोड़कर देख रहे हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पापी से घृणा नहीं करनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन इस दलील का इस्तेमाल दल बदल के लिए भी नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के जो नेता बीजेपी में नहीं जा पा रहे हैं वो बीजेपी को कांग्रेस में लाकर अपना घर भर रहे हैं। हम और आप समझते हैं कि नेता लोग गांधी, गोडसे और सावरकर को पढ़कर समझकर राजनीति करते हैं, ऐसा होता नहीं है। चूंकि इनके नाम से कहीं भीड़ जुट जाती है या भीड़ में कोई नेता जुट जाता है इसलिए इनके फोटो, इनका नाम इस्तेमाल में लाया जाता है। नेता ऐसा अपनी सुविधा के लिए करता है, यही राजनीति है। बाकी ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रीलॉन्च किया। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की गई थी। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया और नया सवेरा योजना शुरू की गई। कई दफे हितग्राहियों के खातों में पैसे भेजे गए, गए भी होंगे, लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जो पैसे का इंतजार कर रहे हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। हमने संबल में यही पता किया
कि जितने गरीब बेटा बेटी कोई जाति समाज क्यों भैया जात पात पूछे नहीं कोई हरि को भजे सो हरि को होई। क्यों भैया कमलनाथ काय को बंद कर दी थी तुमने? जी ये संबल योजना पे मुख्यमंत्री जी ने दो दो बार क्लिक करा देखे है बाकी पैसे खाते में अभी तक नहीं आए। पैसे जाता कहाँ ये आता है? तो रवि अकेले आश्वासन पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारे साथी जफर बताते हैं कि आगर मालवा के अर्जुन नगर में रहने वाली जरीना के पति जावेद की भी 28 जनवरी 2019 को एक दुर्घटना में मौत हो गई। जावेद का संबल योजना में पंजीयन था। चार बच्चे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं। 4 लाख का प्रकरण बनता था। कागज बनते बनते 11 नवंबर 2019 को 2 लाख रुपए की राशि ही स्वीकृत हुई। आज तक वैसे मिला कुछ नहीं। सहायता अभी तो कुछ भी नहीं मिली। 2 साल से उम्मीद लगी लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये चाहती कि थोड़ा ऐसे मदद मिल जाए, थोड़ा सारा मिल जाए तो हमारा घर खर्चा चले, इन बच्चों की पढ़ाई हो जाए। पढ़ना चाहती हूँ 12वीं तक कम से कम। 2 किलोमीटर दूर आकाश 50,000 रुपए साहूकार से कर्ज लेकर माँ के साथ घर के अंदर दुकान चलाते हैं। पिता की बीमारी में 2.5 लाख का कर्ज लिया था। संबल योजना में 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। 24 सितंबर 2020 को एक कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्वीकृति का प्रमाण पत्र दे दिया। अखबारों में फोटो भी छपी लेकिन पैसा नहीं मिला। हमने आवेदन किया था संबल योजना में, जिसका कार्ड भी मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, लेकिन हमें अभी तक किसी तरह की राशि प्राप्त नहीं हुई। दरअसल संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हों, जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन या सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपात्र हैं। योजना में पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि राशि, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। लाभ लेने के लिए पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जरूरी है। सरकारी वेबसाइट कहती है कि 12,436 हितग्राहियों को दुर्घटना में मृत्यु पर 495 करोड़ रुपए, सामान्य मृत्यु पर 1,848 हितग्राहियों को 2012 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। जमीन पर क्या हो रहा है आपने देखा, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। दम्मल के पैसे जिनके रह गए वो भी अप्रैल मिल जाएंगे। जो योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, हम लोगों ने उसको चालू किया है और चालू करने के उद्देश्य केवल यही है कि जो गरीबों को मदद होती थी तो फिर से चालू हो। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में संबल योजना को बंद कर चुकी कांग्रेस के सुरभ बदल गए हैं। सरकार की नीयत और नीति में वो दोष बता रही है। शिवराज सिंह जी केवल भाषण और हेडलाइन की सरकार चला रहे हैं। वो जब से आए हैं पेंशन सामाजिक सेवा अर्थ नहीं मिल रही है। वो जब से आए हैं संबल के भाषण देते हैं। संबल में जिन जिन पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए, जिनको अपेक्षा है सरकार से, मरने के बाद भी न्याय नहीं हो रहा है। इस सदन के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को लेकर, मजदूरों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन ये सच है कि सरकारी इश्तिहार में तो लिखा रहता है कि मजदूर मजबूर नहीं है, लेकिन हकीकत में उसकी परेशानियों की कहानियां यहां वहां बिखरी पड़ी हैं। बस इंतज़ार है वक्त का, उस मलहम का जो उस मजदूर को छांव दे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।